वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ डांडे सर, सतपुड़ा आईटी माजापुर वाला हाट। आईटीआई फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम का शेड्यूल आ चुका है। इसमें यहाँ पर ध्यान देना है स्टूडेंट, आप ये जो नोटिफिकेशन है आईटीआई फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए है, इसमें देखेंगे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग की ओर से यहाँ पर जारी किया गया है। ये लेटर पेड है दोस्तों 17 तारीख का, मतलब कि 17 तारीख को ही ये नोटिस 17/11/2021 को ये नोटिस जारी किया गया है। इसमें आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम का शेड्यूल डल चुका है। यदि आप इसका जो नोटिफिकेशन है आप देखेंगे तो डीजीटी के साइट में आप जाकर यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ऑल द डायरेक्टर ऑफ स्टेट डायरेक्टरेट, इसमें क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम दिया हुआ है। ऑल प्रिंसिपल्स एंड ऑल रीजनल डायरेक्टर्स, इसमें देखेंगे सब्जेक्ट में स्टूडेंट तो रेगुलर ट्रेनिंग एनुअल सिस्टम, अर्थात कि जिसका सेशन 2019 से 2021 तक के लिए होगा। तो यहाँ पर सेशन को आपको ध्यान देना है स्टूडेंट, क्योंकि रेगुलर जो भी स्टूडेंट है उनके लिए है। 2019 से 2021 वाले जो स्टूडेंट हैं इनकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो एग्ज़ाम है उसको यहाँ पर नोटिफाई किया गया है। तो 2019 से 21 वाले जो स्टूडेंट हैं किसी भी ट्रेड के हो, उनके लिए सीबीटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जा रही है। तो यहाँ पर सेकेंड ईयर की जो एग्ज़ाम है, सेकेंड ईयर अर्थात कि लास्ट जो है सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जा रही है। इसमें सबसे पहले आपका पेपर होगा ईडी अर्थात कि इंजीनियर ड्राइंग प्लस प्रैक्टिकल। तो जैसे कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के यदि स्टूडेंट होंगे तो उनकी पहले ईडी का पेपर होगा और उसके बाद आपका फाइनल प्रैक्टिकल होगा। तो प्रैक्टिकल जो है आपके सब्जेक्टिव प्रैक्टिकल होंगे इसमें, तो दो पेपर सबसे पहले होगा, उसके लिए हॉल टिकट भी जनरेट की जाएगी। इसमें सेकेंड नोटिफिकेशन जारी किया गया स्टूडेंट, रेगुलर ट्रेनिस एनुअल सिस्टम सेशन 2020 एंड 2022। तो 2020 वाले और 2022 वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट का भी शेड्यूल जारी किया गया है इसमें। और इसमें ओनली फॉर ईडी और प्रैक्टिकल के लिए, अर्थात कि सीबीटी एग्ज़ाम जो है वो अभी नहीं होगी, आपकी ईडी और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होंगे, अर्थात कि इंजीनियरिंग ड्राइंग प्लस प्रैक्टिकल। तो फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं, चाहे किसी भी ट्रेड के हो, चाहे वो फीटर वाले हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन वाले हो, किसी भी ट्रेड के स्टूडेंट हो, फीटर के हो या इलेक्ट्रीशियन के हो या फिर टर्नर के हो, किसी भी ट्रेड के स्टूडेंट हो, उनके लिए सबसे पहले ईडी का पेपर जो होता है वो कॉमन होता है, प्लस जिस ट्रेड का है उसका प्रैक्टिकल, ये कॉमन होता है स्टूडेंट। तो अभी जो नोटिस जारी किया गया है, अर्थात कि आपके लिए जो डेट डला है इसमें 13 तारीख की डेट दी है, 13/12/2021। तो इसका जो शेड्यूल है सीबीटी एग्ज़ाम का दिया हुआ है 8/11/2021, CTS एग्जामिनेशन इट्स यहाँ पर देखेंगे तो 13/12/2021 से आपकी जो ईडी का जो पेपर है प्लस प्रैक्टिकल, ये दोनों स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये जो नोटिफिकेशन है ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी है और सेकेंड ईयर वालों के लिए भी है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ईयर वाले स्टूडेंट के लिए है। तो यहाँ पर तीन पॉइंट को नोटिफाई किया गया, तीनों पॉइंट यहाँ देखेंगे स्टूडेंट। तो सेशन 2019 से 21 वाले, ध्यान दीजिएगा 2019 से 21 वालों की एग्ज़ाम होगी। फिर सेशन जो दिया है 2020 से 22 वाले, तो ये फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट होंगे 2020 से 22 वाले, और 2019 से 21 वाले जो स्टूडेंट होंगे वो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट होंगे। तो सेकेंड ईयर वालों के पेपर अभी तक नहीं हुए थे तो उनके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसके बाद थर्ड जो है पेपर, यहाँ पर 2020 से 21 वाले जो वन ईयर का जिनका कोर्स होता है, जैसे कि डीजल मैकेनिक वाले हो गए या 6 मंथ वाले जो कोर्स होते हैं, उनकी ईडी और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम साथ में ही होंगे। तो यहाँ पर डेट आ गई है, यदि इसे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है मीटिंग विथ स्टेट हेल्ड ऑन 8/11/2021 फॉर सीबीटी एग्जामिनेशन। इट इज़ द इन्फॉर्म दैट AITT अंडर CTS एग्जाम एनुअल सिस्टम इज प्रपोज्ड टू हेल्ड इन December 2021। और December 2021 में डेट डिक्लेयर कर दिया गया है 13/12/2021। तो ये 13/12 जो 2021 की जो डेट है, इसी डेट में आपकी ईडी और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम यहाँ पर होंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा भी है टू इंश्योर टू इश्यूएंस ऑफ हॉल टिकट टू ऑल एलिजिबल ट्रेनिस थ्रू द NCVT MIS पोर्टल। तो आपके जो
हाल टिकट है वो NCVT के MIS पोर्टल से आप डाउनलोड करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ पर देखना, द एक्टिविटी शेड्यूल एंड टाइम टेबल इज इंक्लोज्ड विथ हेल्प एनेक्सर वन, मतलब एनेक्सर वन में जो लिखा हुआ है वही नोटिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है स्टूडेंट? तो अब तैयार हो जाइए, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट की एग्जाम होना तय है, जिसकी डेट यहाँ पर आ गई है, डेट भी डली हुई स्टूडेंट आप देख। एग्जामिनेशन डेट के बारे में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर द थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन फॉर द ट्रेड थ्योरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन, जो तीनों एग्जाम होते हैं, एक तो TT होता है ट्रेड थ्योरी, सेकंड होता है ES और थर्ड में आपको मिलेगा वर्कशॉप कैलकुलेशन। तो ये तीनों जो पेपर है दोस्तों, इसकी CBT जो एग्ज़ाम होगी, CBT एग्ज़ाम होगी ये 20/12/2021 को होगी, 20/12/2021 को ये पेपर होगा, और ये सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए है, याद ध्यान दीजिएगा, सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए है। तो ये जो सेकेंड ईयर वाले जो स्टूडेंट है, जिनका 2019 से 2021 का शेड्यूल था, सत्र था, उनके लिए है ये जो पेपर ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये 20/12/2021 को ये पेपर जारी किया जाएगा, मतलब कि 20/12/2021 को आपका पेपर होगा, जिसमें ट्रेड थ्योरी, ES और वर्कशॉप कैलकुलेशन, ये तीनों पेपर 20/12/2021 को होंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, सेकंड में दिया हुआ है CBT एग्जामिनेशन फॉर रेगुलर ट्रेनी फर्स्ट ईयर 2 ईयर ट्रेड एनुअल सिस्टम, अर्थात कि 2020 से 2022 वाले जो स्टूडेंट हैं, इनकी जो एग्ज़ाम होगी CBT एग्ज़ाम, उसके लिए अभी डेट डिसाइड नहीं किया गया, लेकिन ED और ED प्लस प्रैक्टिकल का डेट डिसाइड कर दिया गया है। तो ED और प्रैक्टिकल के डेट यहां पर डिसाइड कर दिया गया है दोस्तों। एग्जामिनेशन का यदि टाइम टेबल देखें, हॉल टिकट एक्टिविटीज़ इसके बारे में देखें हम, एग्ज़ाम का टाइम टेबल, तो इसमें टाइम दिया हुआ है किस डेट में कौन सी एग्ज़ाम होगी। तो रेगुलर ट्रेनी एनुअल सिस्टम यहाँ पर 2019 से 21 वालों के लिए दिया हुआ है, अटेंडेंस और यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ीस वगैरह यस करना है, मतलब कि आपके फॉर्म, एग्ज़ाम फॉर्म आपको भरना है। इसका जो डेट दिया हुआ है 19/11/2021 से 27/11/2021 के बीच में हो जाएगा, मतलब कि आपकी जो एग्ज़ाम है 19/11/2021 से 27/11/2021 के बीच में हो जाएगा। रेगुलर ट्रेनिंग के लिए 2020 से 22 वालों के लिए भी ये जो एग्ज़ाम शेड्यूल है 19 से 27 के बीच में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। तो इसमें आपका ED प्लस प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम होगी फर्स्ट ईयर वालों की, क्लियर है, और सेकेंड ईयर वालों की पूरी एग्ज़ाम हो जाएगी इसमें। उसके बाद थर्ड दिया है रेगुलर ट्रेनिस एनुअल सेशन, जिसका एक साल का कोर्स होता है, जैसे डीजल मैकेनिक वाले हैं उनकी भी ED और प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम इसी डेट में हो जाएगी। तो दोस्तों आपको जो एग्ज़ाम हॉल टिकट जनरेट होंगे, ये हॉल टिकट 19 से 27 के बीच में आपके हॉल टिकट जनरेट हो जाएंगे। आपको जो हॉल टिकट है वो 28/11 से 2/12/2021 तक यहाँ पर आपको हॉल टिकट अपलोड, मतलब कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप जो हॉल टिकट है यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे आप इतने बीच में, और ये जो डाउनलोडिंग की जो डेट दी हुई है 4 से 9 के बीच में दी हुई है, तो इस 4 तारीख से 9 तारीख के बीच में आप जो डाउनलोड है हॉल टिकट आपका, मतलब कि एडमिट कार्ड यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो एडमिट कार्ड आपको यहां पर देखेंगे तो ये ITI से ही प्राप्त हो जाएगा, ITI के सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों कि एग्ज़ाम किस डेट में होगी, तो एग्ज़ाम की डेट के लिए ये टाइम टेबल शेड्यूल डला हुआ है, इसी को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि जो सेकेंड ईयर के सत्र 2019 से 21 वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए सेकेंड ईयर का पेपर होगा, और सत्र 2020 से 22 वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए फर्स्ट ईयर का पेपर होगा, ध्यान दीजिएगा इन दोनों के लिए। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए डला हुआ है, और थर्ड में देखेंगे 2020 से 21 सत्र वाले जिनका 1 ईयर का कोर्स होता है, जैसे डीजल मैकेनिक हो गया, कोपा वाले हो गए, उनके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन डाला हुआ है, उनकी भी जो एग्ज़ाम होगी ED और प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम इसी सत्र में, मतलब इसी डेट में होगी। तो यहाँ पर टाइम टेबल देखेंगे तो 13/12/2020 के बीच में देखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर फर्स्ट पेपर जो होगा आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का, इसमें फर्स्ट पेपर किस किस के बीच में होगा, तो ये टाइम देख लीजिए आप, 10 बजे से स्टार्ट होगा और 13/12/2021 अर्थात कि मंडे को होगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट,
13/12/2021 मंडे को पेपर होगा, 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए। और इसमें आपका ईडी का पेपर होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर होगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। सेकंड जो सेशन है, मतलब कि सेकंड आफ्टरनून टाइम में 2:30 बजे से आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के आल ट्रेड के पेपर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग के आल ट्रेड्स के पेपर हो जाएंगे, तो दो सेशन में होंगे, एक तो 10 बजे होगा और दूसरा 2:30 बजे। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के पूरे पेपर पूरे ट्रेड वालों के हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड में दिया है 14/12 से और 15/12, मतलब कि दो डेट में दिया हुआ है, ट्यूसडे और वेडनेसडे को 9:30 बजे से पेपर स्टार्ट होगा। और इसमें प्रैक्टिकल होगा दोस्तों, याद रखिएगा, 2 दिन चलेगा आपका प्रैक्टिकल। 2020 से 2022 जो सेशन वाले हैं उनका पेपर होगा यहाँ पर प्रैक्टिकल का, तो 2020 से 22 वालों के लिए है। तो फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल जो होगा, ट्रेड थ्योरी का प्रैक्टिकल, ये सेकेंड ईयर का आपका फर्स्ट ईयर का होगा, क्लियर है स्टूडेंट। उसके बाद थर्ड है 16/12/2021 से 17/12/2021, मतलब कि थर्सडे और फ्राइडे को 9:30 बजे टाइम टेबल दिया हुआ है, आपको 9 बजे उपस्थित हो जाना है। और ये जो सेकंड जो है सेकंड ईयर वाले, उनका ट्रेड प्रैक्टिकल होगा, आल ट्रेड का प्रैक्टिकल होगा। तो सेकंड ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं जिनके थ्योरी भी हो रही है और प्रैक्टिकल भी, तो सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट का प्रैक्टिकल हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, सेकंड ईयर वालों का प्रैक्टिकल आपका 16/12/2019 से 17/12/2019 के बीच में हो जाएगा। उसके बाद 14/12/2021 से 15/12/2021 में जो प्रैक्टिकल होगा वो 2020 से 22 वालों का होगा, और 2020 वाले भी जो फर्स्ट ईयर में हैं उनका पेपर होगा। और 13/12/2021 से 13/12/2021 मंडे को 10 बजे से जो पेपर होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर होगा, ध्यान दीजिएगा, दो शिफ्ट में होगा, इसका दो शिफ्ट दे दिया है, एक तो 10 बजे से मॉर्निंग में और आफ्टरनून में 2:30 बजे से। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के पूरे पेपर फर्स्ट ईयर वाले और सेकंड ईयर वालों के हो जाएंगे। वो सेकंड ईयर वालों के पेपर इंजीनियरिंग ड्राइंग के 13 तारीख को ही होंगे, और फर्स्ट ईयर वालों के भी इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर 13 तारीख को ही होंगे। तो 13 दिसंबर आप याद रखेंगे, 13 दिसंबर से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले दोनों के, क्लियर है स्टूडेंट। अब दोस्तों हम देखेंगे कि पेपर किस टाइप से आएगा और पेपर में कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स के क्या होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स के पेपर होंगे, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, ये ध्यान दीजिए। तो CBT जो एग्ज़ाम होगी आपकी, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, इसमें मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होंगे, अर्थात कि MCQ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा ये ऑब्जेक्टिव होगा, और 50/25 क्वेश्चन इसमें दिए रहेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ड्यूरेशन दो होगा, 2 घंटे का होगा, 50 क्वेश्चन दिए रहेंगे, और 1 आवर होगा और 25 क्वेश्चन दिए होंगे, ध्यान दीजिएगा। 25 क्वेश्चन देगा तो 1 घंटे का होगा, 50 क्वेश्चन देगा तो 2 घंटे का होगा। तो ट्रेड थ्योरी में देखें, यदि हम देखें स्टूडेंट, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले, कृपया ध्यान दें, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले ट्रेड थ्योरी का, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, और 50 क्वेश्चन में आपको मार्क्स होगा ये 100 नंबर का, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा 2 घंटे का, 2 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना है। सेकेंड पेपर होगा आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन प्लस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, तो इसमें 25 क्वेश्चन जो होंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन होगा, और 25 क्वेश्चन आपका एम्प्लॉयबिलिटी का स्किल का होगा। तो ऐसे आपके 50 क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट, आपको टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का ही मिलेगा, और जो पेपर टोटल मार्क्स का होगा ये 100 नंबर का होगा, क्लियर है। उसके बाद ये जो वर्कशॉप कैलकुलेशन और ES का हमने बताया, ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले दोनों का होगा, क्लियर है। ES का जो पेपर होगा ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले दोनों का होगा, जिसमें ES का सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर का पेपर होगा, 1 घंटा आपको टाइम मिलेगा, 1 घंटे में आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है। नोट में देखेंगे तो ट्रेड थ्योरी विल बी कंडक्टेड इन 1 go विथआउट एनी ब्रेक, मतलब कि आपको ट्रेड थ्योरी के बाद ब्रेक नहीं दिया जाएगा। ट्रेड थ्योरी का पेपर होगा, उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन का पेपर हो जाएगा, और ES का भी होगा, मतलब आपको लाइन से पूरे एक पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी में उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, और एक एट अ टाइम एक ही समय में आपको पेपर तीनों को सॉल्व करना है, आपको ब्रेक नहीं दिया जाएगा। ES एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन विल बी कंडक्टेड 1
गो विदाउट एनी ब्रेक बिटवीन। तो यहाँ पर इन दोनों का जो पेपर होगा इसमें कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा, आपको कंटिन्यू पेपर सॉल्व करना है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये था कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन कितने आएंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों के पेपर कब होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंशन कर दिया गया है। तो दोस्तों ये जो टाइम टेबल है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। इसका जो पीडीएफ है आपको इसके जो टेलीग्राम चैनल है इसमें प्रोवाइड हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा जो आपका एग्ज़ाम का टाइम जो है और एग्ज़ाम का जो डेट है वो टाइम शेड्यूल आपको याद रखना होगा, 13/12/2021 13/12/2021 से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। चाहे वो फर्स्ट ईयर वाला स्टूडेंट हो चाहे वो सेकेंड ईयर वाला स्टूडेंट हो, दोनों के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, ईडी के और प्रैक्टिकल के। क्लियर है स्टूडेंट? दोनों पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो ये डेट जो है 13/12/2021 की जो डेट है ये डेट आपको मेंशन कर दी गई है, आपका एग्ज़ाम टाइम टेबल आ चुका है। इस चैनल में जितने भी वीडियो डलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के उसे देखने की कोशिश कीजिए आप और उसे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करिए ताकि आपका पेपर अच्छा जाए। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अवश्य करें। सभी आईटीआई स्टूडेंट के लिए यहाँ पर स्टडी मटेरियल पूरा अवेलेबल है हमारे चैनल में। स्टडी मटेरियल आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए अवेलेबल है। आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा सकते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए। थैंक यू दोस्तों।